शुक्रवार को लैंडमार्क शिमला में पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली सहित अन्य मुद्दों पर बात की गई। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता मोहिंदर धर्माणी ने कहा कि कड़कती धूप में हजारों की संख्या में लोग मोदी को सुनने के लिए जिस प्रकार से उमड़े, इससे ये साबित होता है कि प्रदेश की जनता मोदी के साथ चलने का संकल्प ले चुकी है। आपका स्वागत अभिनंदन। आज हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंडी और नाहन में दो जो जनसभाएं हुई हैं उनमें उमड़ी हुई भीड़ और जनसैलाब ये साबित करता है कि मोदी जी के प्रति जनता का स्नेह और आकर्षण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। कड़कती धूप में हजारों की संख्या में लोग मोदी जी को सुनने के लिए जिस प्रकार से उमड़े, उससे ये प्रतीत होता है, ये साबित होता है कि प्रदेश की जनता मोदी जी के साथ चलने का संकल्प ले चुकी है। देश की जनता इस बार इन चुनावों के माध्यम से ये संदेश दे देगी कि वो भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। आज जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों के बाद मतदान के जो चरण पूरे हुए हैं उसके बाद जो विश्लेषण आ रहे हैं, जो अवलोकन हो रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मोदी जी का संकल्प अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। मित्रों, ये चुनाव देश का चुनाव है, ये चुनाव राष्ट्रभक्तों और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में है। कांग्रेस और उसका ये इंडी गठबंधन घोर सांप्रदायिक सोच के लोग हैं और सांप्रदायिक आधार पर इस देश को बांटने के लिए और अल्पसंख्यकों के वोट प्राप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे समय समय पर अपनाते हैं। कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय जिसमें मुस्लिम समुदाय के या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की 77 जातियों को ओबीसी आरक्षण जिस प्रकार से दिया गया और जिसको कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, वो ये साबित करता है कि अपने वोट की राजनीति के लिए किस प्रकार से इंडी गठबंधन इस देश के ओबीसी और दलित वर्ग और गरीब का जो हक है वो धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर केवल और केवल अपने वोट के लिए देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।